वन भलिया में हुआ विशाल पंचकुंडीय यज्ञ। आपको बताते चले, जनपद शाहजहांपुर की सीमा से सटे गांव वन भलिया में स्कूल प्रांगण में समाज सेवी सत्यनारायण वर्मा ने सभी के सहयोग से एक विशाल पंचकुंडीय यज्ञ कराया। आपको बताते चले, लगभग 30 वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़े सत्यनारायण वर्मा ने पांच गांव के मध्य बसा गांव वन भलिया में सभी के सहयोग से 12 नवंबर से विशाल यज्ञ का शुभारंभ किया। क्षेत्र के कई गांव की महिलाओं, पुरुषों, विद्वानों को भी आमंत्रित किया। साथ ही अखंड भारत न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहजहांपुर अरविंद सक्सेना को भी बुलाया। वे अंतिम दिवस पर अखंड भारत न्यूज के रिपोर्टर पंचकुंडीय यज्ञ में शामिल हुए। उनके द्वारा यज्ञ का कवरेज भी किया गया। आपको बताते चले कि कई गांव से सैकड़ों महिलाओं ने वहां जाकर दीप यज्ञ, कलश यात्रा आदि, सभी ने हवन कुंड में आहुतियां डाली। तत्पश्चात विशाल भंडारा भी कराया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुशील, राधेश्याम, रामस्वरूप, रामदयाल, राम नरेश, बीता सिंह, डॉक्टर पूनम, तबला वादक अजय मिश्रा, हारमोनियम राम नरेश वर्मा आदि लोगों का भरपूर सहयोग रहा। नमस्कार, मैं अखंड भारत न्यूज चैनल से आज यहाँ पर वन भलिया गाँव है, यहाँ पे आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम तीन दिनों से संपन्न हो रहा है। आज इसका आज अंतिम दिवस है और हमारे पास में इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, मुख्यकर्ता, धर्ता, सर्वव्यवस्था प्रमुख बड़े भाई खड़े हैं। मैं आपसे इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण है। अच्छा, आज ये कार्यक्रम गायत्री परिवार से संबंधित हुआ है, तो इस कार्यक्रम से कब से प्रारंभ हुआ है? ये कार्यक्रम आज से 3 दिन पहले प्रारंभ हुआ था, आज इसका समापन है। और इसका उद्देश्य है कि परम पूज्य गुरुदेव श्याम शर्मा आचार्य के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को गायत्री साधना को जोड़ना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और उन्होंने गायत्री साधना के माध्यम से अपने जीवन को पुरस्कृत करने का संकल्प लिया है। कई संस्कार भी संपन्न हुए हैं, इसमें 3-4 लोगों ने दीक्षा संस्कार लिया है, लोगों ने गर्भ पूजन संस्कार लिया है, बच्चों के विद्यारंभ संस्कार भी संपन्न। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा आप बड़े भाई वर्मा जी के द्वारा, और पब्लिक को जगाने का, जनता को जागरूक करने का, गायत्री माता के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में बताने का बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेकर आते हैं अखंड भारत न्यूज चैनल। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।